निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने का प्लान बना लिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70 हज़ार रुपए बिल अदा करने वालों को 13000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत जस्टिस KK आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करते हुए फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतजाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एशिया कप में आज भारत और क्वालिफाई नेपाल के दरमियान मैच खेला जाएगा। मैच श्रीलंका के पाले के लिए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान पहले ही सुपर फोर मरहले में क्वालिफाई कर चुका। पाकिस्तान ने मुल्तान में नेपाल को 238 रन से शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद राशिद। वक्त हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अरलमा बा खबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।